लेकिन ये मेरे दायरेकार में दोनों चीज़ें नहीं है जो आपने दो सवाल किए। लेकिन मैं आपको वैसे अभी जुबैर मोतीवाला साहब ने इकॉनमी पे थोड़ी सी डिटेल दी, ये एक बड़ा इस वक्त हम शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट की जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो ये है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब इस चीज़ को मैनेज करना, जुबैर साहब ने खुद बताया कि इस चीज़ की रीजंस क्या हैं, और जो एक बात उन्होंने कही, आसिम अली जरदारी साहब ने आज से साढ़े तीन साल पहले असेंबली में कहा था, नेशनल असेंबली में कहा था कि हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए। ये सियासी सोच थी, ही वॉज थिंकिंग इन एडवांस। और अगर वो, मैंने कल रात को भी आप में से कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई थी और यही कहा था कि साढ़े तीन साल अगर सिर्फ चोर डाकू कह के और इनकी पॉलिटिकल पॉलिसी, इनकी जो आइडियोलॉजी, इनका जो दिमाग, वो सिर्फ ये था कि सबको ख़त्म कर दो और मैं अकेला रह जाऊँगा तो लोग कहाँ जाएंगे, लोगों का कोई ख्याल नहीं था। अब इन चीज़ों से आगे हमें निकलना पड़ेगा। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि इस वक्त हर वक्त ज़रूरत होती है मुल्क में सबको साथ मिलकर काम करने की, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा है।